स्ट्रेटेजीज फॉर टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। तो उसमें सबसे पहला पहला जो है वो है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब काम सौंपना। तो उसमें दो प्रकार है, एक है गो फॉर डेलीगेशन और दूसरा है स्टीवर्डशिप डेलीगेशन। अब ये क्या होता है, तो गो फॉर डेलीगेशन में जिसके ऊपर हम काम सौंपते हैं उसको ये बोलते हैं कि भाई ये तू ये काम कर, इतना काम करके इस तरह का कर, मेरे को आके तू रिपोर्ट बता क्या हो गया। तो उसके ऊपर फिर गोफर के ऊपर मुझे कंटिन्यूसली वॉच रखना पड़ता है, अभी क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है। मतलब मैं उसमें मतलब गुंताड़े में मैं रहता हूं या उसमें मैं बिजी हो जाता हूं और उसके ऊपर मुझे वॉच करना पड़ता है। ऐसा कर, फिर वो आता अब क्या करूं, फिर बोलता ऐसा कर, फिर आके बोलता अब क्या करूं। मतलब वो आपको पूछते जाएंगा, आपको सताते जाएंगा और चटनी जैसा आपका वापर करेगा, है ना। इसमें गोफर में जवाबदारी लेता नहीं, जिसको हमने काम सौंपा है जवाबदारी नहीं लेता वो, क्या जवाबदारी आपके ऊपर है और आप बोलते हैं मेरे को बताओ कैसा करना, तो मैं वैसा करूंगा। स्टीवर्डशिप डेलीगेशन में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि देख भाई मैं तेरे को ये काम बोला, तू ये काम करके आ जा, वो कैसा करना मुझे मालूम नहीं, मुझे रिजल्ट होना और ये रिजल्ट होना, तो मुझे रिजल्ट से मतलब है। तुमको नागपुर जाके ये फलाना फलाना काम करने का है, ये फाइल फलाने आदमी को देने का है, इतना काम करके आ जा। अब तू बैलगाड़ी से जाता कि पैदल जाता कि ट्रेन से जाता मुझे मालूम नहीं, पैसा कितना खर्चा करना मालूम नहीं, इतना अलॉटेड है तूने कैसा करना मालूम नहीं, ये काम कर और काम करने के बाद में मुझे बता। और गोफर में क्या होता है, नहीं तू ऐसा कर, अभी ट्रेन पकड़, यहां से ट्रेन पे जा, फिर ऑटो से जा, फिर ट्रेन पकड़ने के बाद में वहां उतर, फिर वहां से फिर साइकिल रिक्शा ले या ट्रेन या ऑटो ले ले, फिर उसको मिल, फिर नहीं मिला तो मेरे को फोन कर। मतलब ऐसा उसको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देके उसको मैनेज करना है। तो ऐसा बोला जाता है कि यदि हम छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन लोगों को देते हैं, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन, और कैसा काम करना वो हम लोगों को बोलते हैं, काम कैसा करना, इस तरह काम कर, इस तरह काम कर, इस तरह काम कर, तो ऐसा बोला जाता है कि वो लोएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग है, नीचतम स्तर है काम करने का। फिर उच्चतम स्तर कौन सा है, उच्चतम स्तर यह है तो तू जान ये काम करके आ, कैसा करना मेरे को मालूम नहीं, मेरे को रिजल्ट होना, बस मैं मतलब मेरा संबंध इससे है। और फिर तेरे को नहीं आता है तो पूछ मैं बताऊंगा, तेरे से नहीं होता है तो मेरे को पूछ मैं बताता, कैसा करना मालूम नहीं, ट्रेनिंग होना मैं ट्रेनिंग दूंगा, मगर मेरे को रिजल्ट होना। तो स्टीवर्डशिप डेलीगेशन जो है वो है रिजल्ट ओरिएंटेड डेलीगेशन, उसमें रिजल्ट चाहिए। गोफर में रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है कि वो काम करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट की गारंटी नहीं, रिजल्ट मेरे ऊपर, वो मुझे दोष देगा काम नहीं हुआ। स्टीवर्डशिप में काम करना उसको है और वो जैसा बोलेगा वैसा होगा। फिर नेक्स्ट, ये चार प्रकार है डेलीगेशन, मतलब डेलीगेट या कोई भी काम करने की। एक है काम डूइंग, मतलब खुद ने काम कर, मतलब आस्तीन ऊपर करो और खुद काम को लग जाओ, डू, है ना, खुद ने काम करना। दूसरा है वो डेलीगेट करो कि तू ये काम कर, इतना ही काम करके आ जा, मेरे को रिपोर्ट करो। तो डेलीगेशन में हमने दो प्रकार देखे। तीसरा है कुछ काम डिले करना, बाद में करेंगे, तो बाद में करेंगे ऐसा बोला ना तो कुछ कुछ काम वैसे हो जाते, है ना, वो सामने वाला जो है वो अपने को फोन करता होगा या कुछ ऐसा, तो वो काम आप ही आप ढूंढ लेता है। ढूंढ कैसा लेता है, अभी मेरे को मेरा भाई समझो फोन कर रहा है कि तो मुझे है ना वो माहौर के गोपाल तिवारी उनका नंबर चाहिए। अब समझो मैंने वो फोन लिया नहीं, डिले कर लिया वो काम, अब उसको तो नंबर चाहिए, वो क्या करेंगे और किसको फोन कर लेंगे, गोपाल तिवारी का नंबर ले लेंगे, है ना, क्योंकि मैंने फोन लिया नहीं, मैं एंगेज था, मैं बिजी था। हुआ क्या, मेरे तो 3 मिनट बच गए ना, उसका भी काम हो गया, उसको मालूम है, क्योंकि जो फोन अपने को कर रहा है वो मेरे काम के लिए फोन नहीं कर रहा है, वो उसके काम के लिए फोन कर रहा है, और मैंने उसको टाइम पे जवाब नहीं दिया तो क्या होगा, और कहीं से तभी वो काम कर लेगा, उसका काम हो जाएगा मेरे लिए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डबल फोन करेगा, ट्रिपल फोन करेगा, फिर उठाओ फोन। तो कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं
कि वो कोई ना कोई आदमी वो काम कर लेता है। अपन वार है तो हमको आके बार बार पूछेंगे, अभी आते काय करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ऐसा पूछेंगे लोग, और फिर को जवाब देना पड़ता है ना। तो कुछ डिले कर लेना है, अपन वार है नहीं कहीं नहीं। नंबर चार, डम करना है। डम मतलब वो डस्टबिन में डाल देने का, वो काम करना ही नहीं, नहीं क्या वो काम करने के, ऐसे बहुत सारे काम रहते, वो काम करने की जरूरत नहीं रहती अपने को, वो हम काम करते हैं, वो काम करने के ही नहीं, डम करने का है वो काम। मतलब कई पत्रिकाएं आती है, अब काफी सारे पत्रिकाएं ऐसी रहती है कि मेरे को पता भी नहीं रहता कि है कौन है, किसने भेजा। काफी सारे निमंत्रण आते हैं, मेरे को याद भी नहीं रहता, पत्रिका आई तो मैं क्या उठ के जाऊं उसके यहाँ, उसने ना फोन किया ना खुद आमंत्रण दिया, एक पत्रिका भेज दिया तो मैं जाता नहीं, मतलब उसको इतना महत्व नहीं है। महत्व का आदमी रहता तो मेरे को खुद फोन करता था कि आपको पत्रिका मिली क्या, जल्दी आना, जरूर आना, ऐसा वैसा पत्रिका भेज दिया, मेरे को याद भी नहीं आ रहा कौन आदमी है, छोड़ दो उसको, वो डम कर देना काम। आपको समझ में आ रहा? तो आप आपके काम जो है वो चार इसमें आप डिवाइड करो, डूइंग, डेलीगेट, डिले एंड डम, है ना। नेक्स्ट, अभी हमको ये देखना, इसके ऊपर मैं और कल बात करूंगा कि आपके ये पूरा ये ना, इसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे कल, है ना, क्योंकि ये बहुत टाइम लेने वाला कार्यक्रम है, हम कल करेंगे इसके ऊपर बात, याद दिलाना। नेक्स्ट, डू इम्पोर्टेंट जॉब्स नाउ बिफोर दे बिकम अर्जेंट। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जॉब जो है ना, जो हमको करना ही है, वो आपको करना है, और वो नाउ में करना है। नाउ में मतलब कैसे, जो टाइम दिया वो टाइम में करने का है, है ना। एग्जाम्पल है समझो टेलीफोन का बिल, अभी मेरे को टाटा स्काई का आ गया, मेरे को SMS आ गया टाटा स्काई के 2011 कुछ तो भी बिल है वो भरो, अब वो इंपॉर्टेंट है, और वो तारीख है उसकी सोमवार की या मंगलवार की, कुछ तो भी तारीख है, मैं देखा भी नहीं बराबर, SMS आया, अब वो भरा नहीं तो क्या करते, वो 22 तारीख को आप ही आप कट जाता, इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए आज के आज, तो वो कब करना है, नाउ। मैंने क्या किया, जैसा मेरे को मैसेज आया, मेरे हॉस्पिटल का जो हमारा कर्मचारी है उसको खटाक से वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, अभी वो भर डालेंगे, सोमवार मंगलवार को जब करेंगे ना वो अर्जेंट हो जाएगा, और उस दिन समझो भूल गए तो कनेक्शन कट कर देंगे, फिर घर से चिल्लाएंगे लोग की पैसे भरे क्यों नहीं, कट कर दिया टाटा स्काई का कनेक्शन, है ना। नेक्स्ट, एक पार्किंसन लॉ है, पार्किंसन लॉ ऐसा बोलता है कि वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम विच इज अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में जो भी काम है वो काम यदि आपके पास टाइम ज्यादा है तो वो काम बढ़ते जाता है, और काम टाइम कम है वो कम समय में हो जाए। आप 8:30 बजे उठते हो और 6:30 बजे उठते हो और 8:30 बजे स्कूल जाते हो, खुदा ना खास्ता आप कभी 7:30 बजे उठ गए ना, तभी 8:30 बजे बराबर जाएगी, क्यों ऐसा सब काम करके फास्ट काम करेंगे, इसका मतलब करो ये अंडा है वैसे जा रहा हूं, इसका मतलब 7:30 बजे उठ के भी आप 8:30 बजे स्कूल में जाएंगे, और अपने पास में 2 घंटे हैं तो आराम आराम से काम करेंगे, और वो काम फैलते जाता है, कम समय तो फटाफट तैयार होकर चले जाएंगे, है ना। तो उसके लिए इसलिए बाबा वो टाइम स्लॉट अलॉट करने का है कि नहीं मेरे को इतने समय में करने का है, मतलब रोज इमरजेंसी डालो काम की, नहीं तो फिर आप आराम आराम से करेंगे, यदि लिखा नहीं है तो करेंगे आराम आराम से, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, पैरेटो सिद्धांत जो है, ये भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेते हैं, है ना। हाँ, अभी ये महत्व का है, डेलीगेट योर स्टफ एक्टिविटीज एट होम एंड एट वर्क। स्टफ एक्टिविटी आप डेलीगेट करो, ये करके मैं रुक जाता हूं, है ना। तो स्टफ एक्टिविटी मतलब क्या, जो आप सवेरे बात कर रहे थे ना उसकी बात कर रहा हूं अभी। हाँ, स्टफ एक्टिविटीज का मतलब यह है कि जो एक्टिविटी में आपका कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, वो कोर कॉम्पिटेंस मतलब मेरा कोर कॉम्पिटेंस क्या है, डॉक्टरी, उसमें मैं सबसे अच्छा काम कर सकता हूं तो वो मैंने करना, और बाकी जितने भी काम है वो सब मैंने डेलीगेट करना है, जितने भी काम है,
सब डेलीगेट कर डालो। यदि मैं मेरा टिकट बुक करूं ट्रेन का, यदि मैं मेरा पेट्रोल भरू कार में जाके, है ना, यदि मैं बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाऊं, यदि मैं फलाना खरीदना है सब्जी तो उसके लिए जाऊं, सब मैं ही काम करूं, थैला लेके जा रहा मार्केट में, तो सभी काम करते रहूंगा तो फिर काम कैसे होऊंगा। 4-5 घंटे दिन में जो फ्री मिलते तो 4-5 घंटे में खलास हो जाएंगे उसमें। तो यदि आपको टाइम बचाने का है तो आपको सब काम डेलीगेट करना पड़ेगा। मैं कोई भी काम मेरे पेशेंट के देखने के साथ कोई करता नहीं भाई, बाकी कोई भी काम, सब काम डेलीगेट 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 एंड डेलीगेट। हाँ सौंप देते हैं, टाइम भी नहीं लेना ज्यादा। अभी मैंने कार खरीदा, अब कार खरीदने के लोग 8-8 दिन लगा देते। मैंने 2-3 लोगों को फोन किया, बोले अभी कौन सी कार अच्छी है, बोले ब्राया ले लो, अभी ब्राया अच्छी कार है। मतलब अच्छी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोले नहीं है। मतलब ब्राया किसका, कौन एजेंसी वाला है, उसको फोन किया, मतलब ऐसा करे 2-3 कलर का वो जो तुम्हारा वो कैटलॉग है वो भेज दो। उन्होंने कैटलॉग, मैंने उसके ऊपर टिक मार्क किया, मैंने कौन सी चाहिए वो टिक मार्क, मैंने गाड़ी भेज दो, उन्होंने गाड़ी भेज दिया। तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में 20 मिनट गाड़ी खरीद लिया 4 लाख की। लोग उसके लिए 8 दिन लगाते, क्या चलो गाड़ी खरीदना चलो, टाइम कैसे बचाना। नहीं क्या अभी थी पेट्रोल भरने के लिए गए, पेट्रोल भरने के लिए आधा घंटा लग जाता है, मैं कभी पेट्रोल भरने जाता नहीं, मैकेनिक के पास में गए। अब गाड़ी लेके आप मैकेनिक के पास में गए कि गाड़ी सर्विसिंग करना है, अभी वो बॉनेट खोलता, बॉनेट खोल के वो उसका दिमाग अंदर डालता, तुम्हारा भी दिमाग अंदर डालते, दोनों टकराते बैठते कि क्या चालू है क्या नहीं, अपने को ना कुछ समझता उसमें, तभी अपन खड़े हैं उधर। वो क्या करता अपने को मालूम नहीं, गए 4-5 घंटे जो है वो गए अपने पास के, दिन चले गए। एक बार 8, 8:30, 9 बज गए, लगता दिन तो गया अभी, चलो अभी बस टीवी देखो सो जाओ। तो आप कौन से लिखो यहां कि कौन से एक्टिविटी जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं मगर आप वो कर रहे, वो आपको लिखना है अभी, कि जो आप डेलीगेट कर सकते हैं। प्रेस करना, लोग प्रेस करते बैठते कपड़ों को या प्रेस वाले के पास में लेके जाते, किराना माल खरीदना, सब्जी खरीदना, अपने को सब्जी खाने को ना अच्छी, खरीदने को मेरे को मालूम नहीं, मैं खरीदता नहीं कभी, है ना। तो आपको वो देखने का है कि भाई कौन सी स्टफ एक्टिविटी है। नेक्स्ट, अपॉइंट स्टाफ मेंबर फॉर स्टफ एक्टिविटीज, स्टाफ लोगों को अपॉइंट करो सब स्टफ एक्टिविटी के लिए, है ना। नेक्स्ट, मैं दूंगा, ठीक है, थम नहीं, बंद कराए। तो यह ठिकाने यहां मैं रुकता हूं, ऐसा टाइम मैनेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टफ एक्टिविटी डेलीगेट डेलीगेट और डेलीगेट करते जाना पड़ेगा, और अपनी कोर कॉम्पिटेंसी जो है वही अपने को काम में लानी पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच।